कहना चाहूँगी कि इमरान खान हमारी डेडलाइन है और वो हमारी डेडलाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। हमें हमारा सामना उसको करना पड़ेगा। हम अपने इमरान खान साहब तक पहुँचने वाले हर हाथ को और हर नाअहल हुकूमत को, जो भी उन नाअहल हुकूमती हैं, उन सबको हम वॉर्न करना चाहते हैं कि इमरान खान की तरफ आँख उठाकर बिना देखें। वो हमारी डेडलाइन है जिसे हम क्रॉस नहीं करने देंगे और हम इमरान खान आए हैं, हम अपने मुल्क का श्रीलंका वाला हाल नहीं होने देंगे। हम इसके लिए जितना हो सकेगा अपने घरों से निकलेंगे। हम खवातीन हैं, हमें पता है कि एक घर की क्या हैसियत होती है और पाकिस्तान हमारा घर है। इसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं और आज इस बात का सबूत है अवाम, जो लोग घर से निकले हैं सिर्फ एक इमरान खान की आवाज़ पर। रेड लाइन क्रॉस होती है तो सबसे पहले हम अपनी जान का नजराना अपने मुल्क के लिए देंगे। इमरान खान के लिए हमारी जान हाजिर है, हम उसको कुछ नहीं होने देंगे। एक ही तो है मर्द मुजाहिद जो उठा है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए और से लिए नहीं। अगर इमरान खान के लिए हम लोग जो है इंसाफ के लिए निकल सकते हैं तो अपने मुल्क के लिए तो अपनी जान भी निसार कर सकते हैं। और बच्चे हैं उनको सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगी, इस वक्त पाकिस्तान के लिए निकले। तहरीके इंसाफ की तरफ से मैं अपने तमाम कराची के बहन भाइयों माँ बहनों को अपील कर रही हूँ कि आप लोग निकले अपने हक के लिए और इमरान खान का साथ दीजिए। इमरान खान हमारी डेडलाइन है और एक यही मर्द मुजाहिद है जो पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचा सकता है, अपने हक से, अपनी ईमानदारी से और अपनी अच्छी स्ट्रेटजी से। मैं विश खुर्रम।